हाँ जी नेक्स्ट इज द कंपनी इवन प्रसिड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू ग्रांट द ईस्ट इंडिया कंपनी फार टू हैव राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री द मुगल एम्पायर औरंगजेब गिव द फारमैन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल हाँ जी कंपनी है जो उसने मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी राजी कर लिया जिसके पास ट्रेड ड्यूटी फ्री का अधिकार था औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के लिए फॉरमेन दिया वेन द ट्रेड एक्सपेंडेड द मर्चेंट एंड ट्रेडर were द increased टू सेटल देयर जब ट्रेड एक्सपेंड होने लगा बढ़ने लगा तो मर्चेंट्स और ट्रेड जो ट्रेडर्स थे उनको इंक्रेज किया गया किसके लिए कि वहाँ पे वो सेटल हो जाएं। बाय 1696 हंड्रेड द कंपनी बुलेट आ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट इन 1696 में कंपनी ने एक फोर्ट बुलेट कर दिया अराउंड देयर सेटलमेंट की जहां पे उनकी मर्चेंट और ट्रेड्स की जो सेटल सेटल किए थे वहां पे उनको रहने के लिए जगह दी गई थी वहां उसी सेटलमेंट के अराउंड उन्होंने क्या कर दिया एक फोर्ट बना दिया गया इट इवन ब्राइब द मुगल ऑफिशियल्स टू गेन दिमीदारी राइट्स ओवर थ्री विलेजेस सुतनती कलिकता एंड गोबिंदपुरा गोबिंदपुर दैट डिवेल्पड इन टू सिटी ऑफ़ कैलकत्ता नाउ इज़ कोलकत्ता इसमें क्या है कि जो मुग़ल ऑफिशल्स उफि, थे उन्होंने ज़िम्मेदारी राइट्स को गेन करने के लिए करने के लिए इन थ्री विलेजेस को इन थ्री विलेजेस को डिवेल्प कर दिया किस में सिटी ऑफ़ कैलकत्ता नाउ इन कोलकत्ता बाई सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स दिस फैक्ट्री सेंटर वॉज़ फोर्टीफाइड इंटू फॉर्ट विलियम बाय द कंपनी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द एम्पायर डिसइंटीग्रेटिड रैपडली सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स तक कंपनी द्वारा विलियम के लिए इस फैक्ट्री के सेंटर को फोर्टीफाइड में रखा गया औरंगजेब की डेथ के बाद उसका जल्दी से खत्म हो गया अम्पायर जो दुगल फारूख ग्रांटेड ट्रेड कंशे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेवनटीन हंड्रेड से बंगाल गवर्नर डिनाइड इट एनी सच राइट एट द एक्सपेंस ऑफ बंगाल रेवेन्यू बट द कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ़ द करप्ट ऑफिसर सोन द कंपनी बिकम पावरफुल एंडैब्लिश्ड देयर कंट्रोल फ्रमली ओवर द प्रोसेशन ऑफ द डच एंड द पुर्तगल इन इंडिया मुगल एम्पायर फारूक शेयर नेवनटीन हंड्रेड सेवनटीन में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिया रियास्ती की ट्रेड दी बट बंगाल के गवर्नर उन्होंने बंगाल रेवेन्यू की बंगाल की जो रेवेन्यू की कीमत थी उस पर कोई अधिकार नहीं दिया था बट जो कंपनी के करप्ट ऑफिसर थे उनसे जो कंपनी ने अपना एडवांटेज उठाया अपना फ़ायदा उठाया जल्द ही कंपनी जो कंपनी थी जल्दी बिकम पावरफुल जल्द, कंपनी जल्दी से ही पावरफुल बन गई इंडिया में डच एंड पुर्तगाली व्यापारों के कब्ज़े पर मजबूती से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया इंडिया में जो डच और पुर्तगाली के जो ट्रेड्स चल रहे थे उन पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मज़बूती से कंट्रोल स्थापित कर लिया ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनी से व्यापार करके अपने आप को पावरफुल कर लिया ओके अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू I hope you you will understood about the trading companies in India. Read the pages carefully which I will send. Thank you, have a nice day.